आर श्रीवास्तव मुख्यमंत्री जी के आईटी सेल का लड़का उसने आत्महत्या कर ली, और आत्महत्या कर ली 3 दिन तक लगातार एफ आई आर दर्ज नहीं हुआ। उसने जो सुसाइड नोट लिखा, सुसाइड नोट से भी कोई कार्रवाई भी तक नहीं हो पा रही है। 3 दिन बाद जाकर मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें मुकदमा दर्ज हुआ मेरी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो वो हमारे साथ कैद समाज के लोग भी हैं और हमारे पार्टी के लोग भी हैं, और हम सारे लोग ये चाहते हैं कि इसकी सीबीआई की जांच हो, इसके जो परिवार है उसको सुरक्षा मिले और आर्थिक सहायता भी मिले मुख्यमंत्री जी। अभी आप लोग फिर किसको फिर ज्ञापन दिए हैं और मामला माननीय मुख्यमंत्री जी के सोशल मीडिया के टीम में जो स्वर्गीय पार श्रीवास्तव थे, जिन्होंने विगत कुछ दिन पहले आत्महत्या कर ली, और आत्महत्या जैसा कृत्य आदमी तब करता है जब जीवन की हर लड़ाई हार जाता है। तो आत्महत्या करने के पहले उन्होंने जो सुसाइड नोट लिखा था उसमें कुछ लोगों को उन्होंने संदर्भित किया था, और लगातार उनके परिवार का प्रयास और सबके प्रयास के बाद 3 दिन बाद जाके वो मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा तो दर्ज हो गया लेकिन पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए वो आराम से घूम रहे हैं, पुलिस पूछने नहीं जा रही है, देखने नहीं जा रही। तो हम आज माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग किया है हमने प्रशासन के माध्यम से कि जो क्योंकि मामला मुख्यमंत्री जी के से जुड़ा है, उनके कार्यालय से जुड़ा मामला है, और कई एविडेंस डिलीट भी किए गए हैं, तो हम लोग इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग उसके परिवार की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और उनके परिवार की आर्थिक मदद की भी मांग माननीय मुख्यमंत्री से कर रहे हैं। ठीक भैया, मैं अमित श्रीवास्तव अखिल भारतीय कायस्थ महासभा दिल्ली पंजीकृत राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। अखिल जी, फिर आज आप लोगों ने फिर ज्ञापन दिया है, किसको दिया है और क्यों दिया है? ACM चतुर्थ को दिया गया है शासन के द्वारा। एक्चुअली पार्थ श्रीवास्तव जो थे वो योगी जी के यहाँ कार्यालय में कार्यरत थे और उन्होंने सुसाइड कर लिया, उसी के संदर्भ में हम लोग दिए गए। मांगे फिर क्या कह रही हैं? मांगे हम लोग ये है कि सीबीआई जांच हो, उचित दंडनीय कार्रवाई हो, जो भी इसमें इन्वॉल्व हो उसको अरेस्ट किया जाए और उनको पकड़ा जाए। ठीक, क्या फिर कहेंगे मतलब इस तरीके से फिर घटना वो भी जो है सीएम के कार्यालय में फिर हुआ? ये तो बहुत बड़ा सोचने वाली बात है, ये तो हर आदमी को सोचने की ज़रूरत है। ठीक।